हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। 14 फरवरी 2019 को हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले से पूरा देश दुखी होने के साथ साथ काफी गुस्से में नजर आ रहा है। हर कोई इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। वहीं इस हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू के विवादित बयान के चलते उन्हें द कपिल शर्मा शो से निकाल दिया गया है। जनता सिद्धू का बयान सुनकर गुस्से से लाल हो गई है। वहीं अब सिद्धू को लेकर बॉलीवुड के जाने माने सितारे अनुपम खेर ने भी अपनी राय दे डाली है। दरअसल अनुपम खेर ने ट्विटर के जरिए अपने फैंस के साथ बात की और लिखा कि वो आस्क अनुपम हैशटैग करके उनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, जिसके बाद एक फैन ने अनुपम से पूछा कि खासकर कम्युनिस्ट को क्या सजा देनी चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू अनुपम से पूछिए। जिसके बाद अनुपम ने जवाब देते हुए कहा, कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा बात करते हैं तो ये आपसे बकवास बातें भी करा सकता है। वैसे आपको बता दें, पुलवामा हमले के बाद सिद्धू ने कहा था कि आप इस हमले का दोष पूरे देश पर नहीं डाल सकते हैं, पूरे देश या किसी एक को इसका दोष देना ठीक नहीं है। मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो। सिद्धू के इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। लोगों ने उन्हें बायकॉट करने के लिए कहा था। जनता का ऐसा मानना था कि सिद्धू को कपिल के कॉमेडी शो से बाहर कर दिया जाए, जिसके बाद मेकर्स ने सिद्धू को इस शो से निकाल दिया और उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह को दे दी। वैसे आपको क्या लगता है, अनुपम ने जो भी कहा वो सही है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।